फ्रेश वे कणक बीज बना रहा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद चाहे जो मजबूरी हो जिला प्रशासन होश में आओ जिला प्रशासन हो आप किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं और क्या मुद्दा है? हम लोग आज ये बघवार मझगवा में संचालित अल्ट्राटेक फैक्ट्री के खिलाफ कुछ दिन पहले धरना किए थे। हम किसान और मजदूर संगठन के लोग हैं। हमारी ज़मीन अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा अधिग्रहित की गई। ये भारत सरकार द्वारा 2014 में भू अधिग्रहण बिल जो पास हुआ है और उसके बाद पहले भी ऐसी शर्त थी कि जब कोई भी फैक्ट्री भू अधिग्रहण करेगी किसानों की उसके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा आज तक ना ही नौकरी दी गई और ना ही उचित मुआवजा दिया गया। बहुत सारी शर्तें हैं जिनको किसी प्रकार से फॉलो नहीं किया जा रहा है और हमेशा वहाँ के मजदूर किसान उपेक्षित हैं। बाहर के लोग उसी काम में 25,000-30,000 रुपये पा रहे हैं और यहाँ ठेकेदारों के अंडर में किसानों को किया गया है और 5,000-7,000 रुपए उनको दिया जा रहा है। अभी हाल ही में कलेक्टर ने एक जो है बैठक की थी, समझौता किया था, क्या हुआ उसका? हम लोग 5 दिन का आंदोलन किए थे पिछले महीने और कलेक्टर साहब और एसपी साहब की संयुक्त टीम गई थी और हम लोगों के किसानों के साथ बैठक करी थी। बैठक में यह निकल के आया था कि हमको कलेक्टर साहब ने कहा था कि 45 दिन का टाइम हमको दे दीजिए और 45 दिन में यदि निराकरण नहीं होता हम निराकरण करा देंगे उसको। और हमने तब किसानों ने कहा कि भाई यदि निराकरण नहीं होता तो क्या, तो बोले कि आप एक गेट बंद किए हो, दोनों बंद कर लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और वो 45 दिन का समय जो है तो पूरा हो चुका है। करीब कितने दिन हो गए और आप कहाँ क्या करने के लिए? लगभग 45 दिन से ज़्यादा हो गया है और हम लोग अब अपनी मांग को लेकर आंदोलित होने के राह पर आ रहे हैं। अल्ट्राटेक के सहयोग से जिला अस्पताल चमक गया लेकिन ये किसानों की माली हालत और किसानों की स्थिति नहीं चमक पा रही है। वही 2,000, 5,000 और 7,000 में नौकरी कर रहे हैं, एक बच्चे की फीस तक नहीं होती 5,000 से 7,000 रुपये में। इनकी हालत में भी सुधार हो, माननीय कलेक्टर महोदय से यह आप मीडिया के माध्यम से अपील। आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और अंतिम दम तक किसान और मजदूर के साथ बैठ करके और जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तो हम बैठ करके उसको आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? अंबुज पांडे।